हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ममताज़ किचन। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने वाले काकर की रेसिपी। यह काकर या तो आप खट्टी मीठी दाल के साथ खा सकते हैं या फिर गुड़ और घी के साथ। स्वाद में यह काकर बाटी या बाफले की तरह होते हैं, परंतु उसकी अपेक्षा बहुत ही कम समय में बन जाते हैं और कैलोरीज वाइज भी देखा जाए तो बाटी या बाफले की अपेक्षा इसमें बहुत ही कम कैलोरीज होती हैं। तोड़ के देखेंगे तो आप पाएंगे यह एकदम बाटी की तरह है। आप चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, चूरमा लड्डू की तरह। रेसिपी जानने के पहले, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई रेसिपीज जानने के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूँ का दरदरा पीसा हुआ आटा 2 कप। कुछ लोग इसे लड्डू के आटे के नाम से भी जानते हैं। इसमें डालें 2 चम्मच शक्कर, 1/4 चम्मच खाने का सोडा यानी सोडा बाइकार्ब, 1 छोटा चम्मच नमक। इसके साथ ही मोयन के लिए 3 टेबलस्पून तेल। तेल को डालकर हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका आटा गूंथना है। आटा गूंथते समय पानी थोड़ा थोड़ा ही मिलाएं, क्योंकि हमें चपाती से थोड़ा सख्त आटा गूंथकर तैयार करना है। जब यह आटा अच्छी तरह से गूंथकर तैयार हो जाए तब इस पर लगाइए 1 चम्मच तेल। तेल लगाकर करीबन 15 मिनट के लिए आटे को यूं ही छोड़ दीजिए। 15 मिनट बाद यह तैयार है आटा गाकर बनाने के लिए। अब इस आटे के करीबन 9 से 10 गोले बना लीजिए। गोलों को अच्छी तरह से दबाते हुए बनाइए और हल्का सा चपटा कीजिए। ध्यान रहे इसके किनारों पर कोई भी दरारें नहीं होनी चाहिए। इसे अच्छी तरह से दबाकर चपटा कर दीजिए टिकिया की तरह, और सारे गोले इसी तरह से तैयार करके रख लीजिए। 2 कप आटे में करीबन 9 से 10 गाकर बन जाते हैं। अब गैस पर पैन या कढ़ाई रखकर गर्म करें। उसमें डालें 2 चम्मच शुद्ध घी। घी जैसे ही पिघलता है उस घी को थोड़ा फैला दें और इस घी में रखें एक एक करके हमने तैयार किए हुए गाकर। गाकर को इस तरह से प्लेस करें कि हर गाकर को थोड़ा ना थोड़ा घी ज़रूर लगे। एक समय में जितने गाकर आसानी से रह सकते हैं उतने ही गाकर पकाइए, बाकी दूसरी बैच में। अब इसे ढककर करीबन 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर बेक होने दें। 3-4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसका निचला हिस्सा बहुत ही अच्छा कुरकुरा हो चुका है। तब इसे पलट दें। सारे गाकर पलट देने के बाद ऊपर से 1 चम्मच घी भी डाल दें। अब इन गाकर को इसी तरह 2-3 मिनट तक बिना ढके पकने दें। यह तैयार है हमारे गाकर। इसे खट्टी मीठी दाल या गुड़ और घी के साथ सर्व करें। खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। आप चेंज के लिए इसे ज़रूर बनाकर देखिएगा। रेसिपी पसंद आने पर इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।